ऐसा आप लोगों ने बचपन से कई बार किया होगा बच्चों कि घड़ी को आप लोगों ने, घड़ी के जो टाइम है उसको आप लोगों ने आईने में देखा होगा। तो जब घड़ी में 3 बज रहे होते हैं तो हमें उसकी जो इमेज है वो मिरर में 9 बजती हुई दिखाई देती है। जो ओरिजिनल टाइम होता है वो अपन को नहीं दिखाई देता, कुछ अलग टाइम दिखाई देता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में दिखाता है। इसीलिए तो कि जैसे अगर मैं ये मिरर लेता हूँ और यहाँ पर एक वॉच लेता हूँ जिसमें 3 बजे हुए हैं, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9 होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी इमेज देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घड़ी में इस तरह से दिखाई देगा, तो जो 3 बजे हुए हैं वो मुझे 9 बजे हुए दिखाई देंगे। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि भाई 4:20 हुए हैं तो इसकी इमेज कितनी दिखाई देगी, इसके लिए क्या करें। आप लोग एक काम किया करें कि जब भी टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ हो, टाइम आवर्स में दिया हुआ हो, तो जो इमेज बनेगी वो होगी 12 - h। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए 4 बजे हुए हैं तो इमेज में कितने बजे हुए दिखाई देंगे, 12 - 4 8 बजे हुए दिखाई देंगे। आपको दिया हुआ है कि भाई 3 बज रहे हैं तो इमेज में क्या होगा, 12 - 3 9 बज रहे होंगे। अगर 7:00 हो रहा है तो इमेज होगा 12 - 7 5:00। ये आपको वॉच का जो टाइम है वो दिखेगा इमेज में। इसी तरीके से अगर आपको टाइम जो है आवर्स और मिनट्स में दिया हुआ है तो जो इमेज है वो क्या बनेगी वो देखिए। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं 12 - h, लेकिन जो 12 आवर्स था ना उसको आप लोग आवर्स और मिनट्स में ब्रेक कर देते हैं। 12 आवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 hours and 60 minutes, 11 घंटे और 60 मिनट, ठीक है। ये मतलब 12 घंटे हो गए, ये 12 हो गया। इसमें से एच एम को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 4:20 हो रखे हैं, 4:20, ओके, तो इमेज क्या दिखाई देगी, इमेज होगी 1160 - 420, ये 0, ये 4 और ये 7, 7:40 आपको टाइम दिखाई देगा। इसी तरीके से टाइम आपका आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में हो तो इमेज क्या बनेगी। तो देखो बच्चों, जो 1160 लिखा था आप लोगों ने, 11 को 11 रहने देते हैं, जो 60 है उसे हम 59 minutes and 60 seconds कर देते हैं और उसमें से एच एम और एस को सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 5:40 and 20 seconds, तो ये वॉच का टाइम कितना दिखाई देगा, इमेज कितनी दिखाई देगी। तो 11:59:60 माइनस ये जो टाइम गिवन है 5:40 and 20, ये तो कितना हो गया बच्चों 40, ये कितना हो गया 9 और 1 और ये कितना हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 6। तो ये जो टाइम है ये आपको दिखाई देगा 6:19 and 40 seconds, ठीक है। बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखीजिए केवल आवर्स के लिए, आवर्स और मिनट्स के लिए, आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स के लिए।